तो दोस्तों अगर आपके पास पोको का कोई भी मोबाइल है तो उस पोको के मोबाइल में एक फीचर देखने मिलता है। इस फीचर के थ्रू अगर आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है या किसी प्रकार का अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो जो फ्रंट का स्क्रीन होता है उस स्क्रीन के नोटिफिकेशन को आप वहां पे इनेबल कर सकते हैं और किसी भी कलर में आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, चाहे वो ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो, किसी भी कलर में आप उसको सेट कर पाइएगा। साथ में पीछे का जो फ्लश लाइट देखने मिलता है उस फ्लश लाइट को भी उस समय इनेबल कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वहां पे उस समय फ्लश लाइट भी आपको वहां पे जलता हुआ नजर आएगा या किसी प्रकार का कॉल आएगा तो स्क्रीन भी आपको कलर देखने मिलेगा और साथ में फ्लश लाइट भी वहां पे जलेगा। तो इस फीचर को कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास ये पोको का मोबाइल है, तो इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएं। जैसे आप यहां पे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने में नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा एडिशन सेटिंग का, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे और वहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एसेसिबिलिटी का, इस एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऊपर में आपको जनरल का ऑप्शन मिलेगा, विजन का ऑप्शन मिलेगा, हियरिंग का ऑप्शन मिलेगा, फिजिकल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप क्या करें, हियरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा बीम फोन नोटिफिकेशन का, ये ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाता है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कैमरा फ्लैश का और स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखें तो कैमरा फ्लैश का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको जैसे ऑन कर दीजिएगा और ऑन करने के बाद दोस्तों अगर आपके पास किसी प्रकार का इनकमिंग कॉल आता है या किसी प्रकार का नोटिफिकेशन एप्स में देखने को मिलेगा तो क्या होगा कि पीछे का जो फ्लैश लाइट है वो आपको ब्लिंक करना चालू कर देगा। तो आप यहां पे प्रीव्यू पे देख सकते हैं, जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं तो इस प्रकार का यहां पे लाइट ब्लिंक करेगा। उसके अलावा यहां पे स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन वाले ऑप्शन में जाऊंगा तो यहां पे देख सकते हैं सात कलर देखने मिलते हैं, जिसमें ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, पर्पल है, ये कलर देखने मिलते हैं। अपने हिसाब से कलर सेट करना है तो आप कलर सेट कर सकते हैं, जैसे ब्लू सेट कर लीजिएगा तो ब्लू आपको यहां पे नोटिफिकेशन स्क्रीन कलर देखने मिलेगा और ये देख सकते हैं इस प्रकार का कलर यहां पे स्क्रीन चेंज होगा। उसी प्रकार से ग्रीन सेट करना चाहते हैं, ग्रीन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे ग्रीन इस प्रकार का देखने मिलेगा। मैं यहां पे क्या करता हूं, रेड को यहां पे सेट कर लेता हूं और रेड को सेट करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार का यहां पे कलर चेंज देखने मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, एक यहां पे नोटिफिकेशन भेजता हूं और दोस्तों जैसे मैं यहां पे नोटिफिकेशन भेजूंगा तो देख सकते हैं रेड कलर चेंज होता है और पीछे का जो लाइट है वो फ्लैश होना चालू हो जाता है। तो ये फीचर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है, तो इस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। और ये फीचर दोस्तों आपको हाइपर ओएस में देखने को मिलेगा, अगर आपके डिवाइस में हाइपर ओएस रन कर रहा है तो इस फीचर को आप यहां पे यूज कर सकते हैं।